वेलकम टू माई चैनल मैग द टाइग्रेस गर्ल। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ लच्छा परांठा की, जो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको कोई तंदूर की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हो। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप वॉचिंग दिस वीडियो। लच्छा परांठा बनाने के लिए हमने 2 कप आटा लिया। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन का और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, सो दैट जो हमारी अजवाइन है और कसूरी मेथी और नमक है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध को थोड़ा सा गर्म करके ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर पे दूध नहीं ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, एकदम सारा दूध नहीं ऐड करेंगे। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें दूध ऐड कर सकते हो। हमारा आटा अच्छे से गूंद के रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे अच्छे से, आप चाहे थोड़ा सा हाथ में लेके भी अच्छे से पूरा इसको टक कर देंगे घी लगा के। सी हमारा कितना सॉफ्ट आटा बन गया। अच्छे से इसको टक करके उसी सेम बाउल में कपड़े से कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब इतना हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक छोटे बाउल में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच और अमचूर पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच और इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, क्योंकि सॉल्ट हमने आटे में भी ऐड किया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हमारा लच्छा परांठा का मसाला बिल्कुल रेडी है। मिनट्स हो गए, हम अपना डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे लाइक दिस, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। हम इसके ऐसे मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे जस्ट लाइक दिस। अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे हम इसको। परांठा वो बिल के रेडी हो गया। अब हम इसमें घी लगाएंगे अच्छे से, पूरा प्रॉपरली हम इसमें अच्छे से घी लगाएंगे। उसके बाद हमने जो मसाला रेडी किया है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से हर जगह हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस। सारी जगह हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप अपने हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से स्प्रेड करने में लाइक दिस, सो दैट जो आपका घी है वो भी अच्छे से सारी जगह स्प्रेड हो जाए टू ऑल द कॉर्नर्स लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, जैसे हम बचपन में फैंस बनाते थे सिमिलरली हमने इसका एक फैन बनाना है। इसकी हमने ये साइड लेनी है, इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे लाइक दिस और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे लाइक दिस बिल्कुल फैन की तरह। वन मोर टाइम, बिल्कुल पतले पतले हमने इसके ऐसे फैंस बनाने हैं लाइक दिस। वन मोर टाइम लाइक दिस, इसके हमने बिल्कुल पतले पतले फैन बना लिए। ये अच्छा एक लोफ तैयार हो गया लंबे शेप में। अब हम इसको रोल करेंगे। रोल करते हुए हम इसमें सेंटर में इसकी फिंगर रखेंगे, अपनी फिंगर रखेंगे और इसको ऐसे अच्छे से रोल करेंगे और जो इसका एंड पॉइंट है उसको नीचे से
इसके अंदर ऐसे टक कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे लाइक दिस। ये जो हमारी लाइंस हैं लच्छे की आप देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड कर दूंगी। अगर आप नो अनियन नो गार्लिक हैं तो आप ये पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें काले तिल भी लगा सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको भी हम अच्छे से बेल लेंगे। इसको हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पतला बेलेंगे तो उसके जो लच्छे हैं वो नहीं बन पाएंगे, वो बिल्कुल चिपक जाएंगे आपस में एक दूसरे से। हम इसको परांठे की तरह बिल्कुल अच्छे से बेल लेंगे। परांठा अच्छे से बेल गया है और आप देख सकते हैं इसकी कितने सुंदर लच्छे इसकी शेप आई है। अब हम इसको एक पैन में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसको मैं पहले अच्छे से हीट अप कर लूँगी। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा के, आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, सारी तरफ ऑयल लगा के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसको पलट देंगे। और दूसरी साइड पे भी हम इसके अच्छे से घी लगा लेंगे और साथ ही हम इसको पलट लेंगे। इसका जो अरोमा है वो बहुत ही अच्छा है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइक दिस। हमारा लच्छा पराठा कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से फ्राई हो गया है और जो इसके जो लच्छे हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं। हम इसको पलट लेंगे। हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसके लच्छे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं और ये बहुत ही यम्मी क्रंची है और बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू।